कैप्टन साहब आए जिहड़े 4.5 साल घरों नहीं निकले, कांग्रेस के मुख्यमंत्री चन्नी भी आए लुट के लै गए, तो बदलाव वाली सरकार ने तो किन्ने वड्डे वड्डे गारंटियां दित्तियां सीगियां कि किसी किसान नूं धरना नहीं पलाना पऊगा, किसी बेरोजगार नूं टैंकी ते नहीं चढ़ना पऊगा, बच्चों नूं विदेशों से नहीं जाना पऊगा, बीबियां दे खाते च 1000-1000 रुपए आ गए, वड्डी वड्डी गल्लां करके कुर्सी च बह के अज दुख हुंदा कि पहले कांग्रेस 1 लाख करोड़ का कर्जा तुहाडे बच्चों के भविख के उत्ते चढ़ा के आप तो तुर गए, सारे 1 लाख करोड़ खा पी के छक के घपले कर गए, अद्धे अपने आप को जेल तो बचाने वास्ते भाजपा में शामिल हो गए, तो बाकी कुछ जेल में ने, तो बाकी राजे वड़िंग वर्गे कैप ये भगवंत मान के गोडी हाथ लाई बैठे ने कि मेरे बसा का घोटाला बहर ना आ जाए। दुख हों 1 लाख करोड़ का कर्जा साडे बच्चों के उत्ते लेकर आप तुर गए, इन्हों ने 40,000 करोड़ का कर्जा 1.5 साल से ही चढ़ाता, गारंटियां कोई पूरी नहीं कीतियां, पंजाब की आर्थिक हालात इन्नी माड़ी हो गई, साढ़े समय से पंजाब 5वें-6वें नंबर से सीगा, अज थले 2वें नंबर से आ गया, ये पंजाब नहीं पंजाब के लोगों के हालात कमजोर होए ने, कल्ले पंजाब के नहीं होए। सो आस करती हाँ कि आप गलों तो उपर उठ के किए हुए कामों के आधार से तो यहोजी सरकार जब जवाबदेही बनावे कि यह कहा अज गरीबों के मकान नहीं मिल रहे, बादल साहब के दिते हुए कार्ड कट्टे जा रहे हैं, किसी शगन का चैक नहीं आ रहा, 2500 पेंशन छोड़ो नवी पेंशन किसी की नहीं लग रही, जेड़े हड़ पीड़ित बाढ़ की मार करके हड़ की मार करके आपका मुआवजा मांग रहे हैं, जो उन्होंने हक बनता है तो अजे तो पुराने गड़िया के नरमे के वह मुआवजा नहीं मिले, तो हड़ा का तो की मुआवजा, मुआवजा में डांगा मिलदिया ने या फिर साढ़े भरा तो कुचल के उदू शहीद भी कर दिता जाता है। सो बड़ा अफसोस तो बड़ा दुख हों कि पंजाब के हालात कितने जा रहे हैं। मैं आस करती हाँ कि जे वे उम्र के इतने बैठे हुए ने नौजवान पीढ़ी को समझाएंगे दसनगे जिन्होंने बाल साहब के कामकाज नहीं देखे, इस खेतरी पार्टी को तकड़ा रखना मजबूत रखना कितना जरूर है, क्योंकि पंजाब की आवाज़ तो अपने ही उठाएंगे, दिल्ली वाले ने तो दिल्ली के कहे जे काम करना है, ये बाबे नानक की तकड़ी वाली पार्टी है, पंजाब की अपनी खेतरी पार्टी, पंजाबियों की आवाज़, पंथ की आवाज़, इस आवाज़ को बुलंद रखना मैं आस रखती तुसी सारे जरूर रल मिल के करोगे, आने वाली पंचायती चोणों से तकड़े होकर श्रोमणी अकाली दल के सरपंच बनाओ, मैंबर बनाओ, जिला परिषद ब्लॉक समिति सारे आपकी पार्टी को तकड़ा करो, इन्होंने तो दवानी देनी नहीं, परमात्मा की कृपा के नाल एम पी के कोल तो फंड होंगे, मैं तो फिर भी थोड़ी पंचायतों को फंड दे के थोड़ी तकलीफों दूर करने वास्ते माड़ा मोटा दे सकती हाँ। सो क्यों ना रल मिल के आप धड़ेबंदियां छड़ के गिले शिकवे छड़ के लोगों दसीए कि पंजाब में पंजाब की पार्टी चाहिए जो पंजाब की गल करती है, ना कि दिल्ली चलन वाली पार्टियां चाहिए ने। आस करती हाँ सारी बेनती प्रवान करोगे, गुरु साहब के चरणों से अरदास करती हाँ कि समत भी सानू बख्शन, बल भी बख्शन, आज जिहड़े साडे दुखी लोकी ने उन्हां दी तकलीफां नूं दूर करन लायक सानू बल बख्शन, समत बख्शन, ते साडे तो सेवा भी गुरु साहिब आप लैणे। बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।